ओके कोई मूवी का रिव्यू नहीं आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत जिम्मेदार नागरिक यानी कनिका कपूर की। हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू तब लिया गया जब उनमें कोरोना वायरस की जो पॉजिटिव उन्हें पाया गया, जो एक लखनऊ में पार्टी कर रही थी, फिर उनका पॉजिटिव पाया गया तो उनको लेके जाया गया वहाँ से। 4 दिन लगातार बुखार चढ़ने के बावजूद उन्होंने ये जरा भी नहीं सोचा कि उनको कोई प्रॉब्लम है, जाके वो अपने आप को अलग थलग कर ले, क्वारंटाइन कर ले। लेकिन नहीं, मैडम जी के पास तो कुछ ये ज़्यादा ही है। खैर, अभी उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग उन्होंने क्वेश्चनों के जवाब दिए, अभी उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इंटरव्यू पे जाने से पहले कुछ एक चीज़ें कि आप लोगों को पता हो कि कनिका कपूर जिन्होंने बेबी डोल में सोने दी ऐसा कुछ करके वो गाना गाया था जिससे वो फेमस हो गई थी, उनमें जब कोरोना वायरस की जो पॉजिटिव पाई गई तो बहुत सारी चीज़ें निकाली गई कि वो कहाँ कहाँ गई, कानपुर, लखनऊ में पार्टी कहाँ कहाँ की। कुछ एक चीज़ें जैसे कि गवर्नमेंट ने ये बोल देने के बावजूद कि अगर आप विदेश से लौटे हो तो आप अपने आप को 2 हफ्तों यानी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करें, अलग रखें, अपना चेकअप कराएं। चेकअप कराने के बाद अपने आप को क्वारंटाइन करें, क्या पता 2-4 दिन के अंदर फिर से कोई लक्षण कोरोना का आपको दिख जाए। लेकिन ये चीज़ें इन मैडम जी की समझ में नहीं आने वाली थी। खैर, ये तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में ये चीज़ें देखी भी होंगी, इनके बारे में जानते भी होंगे। आज हम उनके इंटरव्यू की कुछ एक बातें डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यू में कुल टोटल 4 क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन में से उन्होंने 3 क्वेश्चन के उन्होंने जवाब दिए। चौथे क्वेश्चन में मैडम जी को गुस्सा आने के बाद उन्होंने अपना फ़ोन कट कर दिया। खैर, एक एक करके उन क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि उनसे पूछा गया कि 4 दिन से आपको बुखार चढ़ने के बावजूद आप क्यों पार्टी कर रही थी। मैं बता रहा हूँ, ये एंकर है बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब कड़क एकदम, बिल्कुल सीधा मुंह पे बोल दिया कि 4 दिन उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि 4 दिन से बुखार चढ़ने के बाद क्यों पार्टी में गई। इस पर मैडम जी का जवाब सुन लीजिए। कनिका कपूर जी, आपने अपने इंस्टाग्राम पे जानकारी दी कि 4 दिन से आपको इस वायरस के लक्षण यानी फ्लू के लक्षण आपके अंदर विजिबल थे, उसके बावजूद आप 16, 17 मार्च, 18 मार्च को पार्टी करती रही। मैडम, आपको ये किसने कहा कि मैं पार्टी करती थी? मैं मंडे से, मेरी तबीयत खराब है, मैंने मंडे से अपना कमरा नहीं छोड़ा है। 3 दिन से मैं यहाँ के ऑफिशियल से पीछे पड़ के अपना टेस्ट कराया है। आप कुछ भी खबर, कोई भी आपको कुछ भी कह देगा, आप मान लेंगे? नहीं, मैं तो आपसे वेरीफाई कर रही हूँ, आप नाराज ना हो, आपकी तबीयत खराब है, हम नहीं चाहते आप किसी भी तरह से स्ट्रेस में आए। मैं आपको, बेटर है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। मैं यही जानना चाहती हूँ मैम, मैं यही जानना चाहती हूँ कनिका जी, मैं इतनी भी बेवकूफ वाली बातें नहीं कर सकता। आई मीन इट्स रिडिक्यूलस कि अरे अरे मैडम जी, पहले तो शांत हो जाओ, सोच लो, बेवकूफ आप हो या बेवकूफ हरकतें की, क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो, कुछ तालमेल नहीं बन रहा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टी में जो जिसमें दुष्यंत सिंह जो सांसद थे वो आए हुए थे, वसुंधरा राजे आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे, जो ये पार्टी हुई वो कब हुई? तो मैडम जी का जवाब था कि ये पार्टी 13 मार्च को हुई थी और वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ मुंह दिखाई के लिए गई थी, मुंह दिखाने के लिए गई थी। तारीख को हमारे, हम सब छोटे से फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है ये जी, ये हमारे रिलेटिव हैं जी, एंड मैं अपने माँ बाप के साथ मुंह दिखाने के लिए, बर्थडे उनकी थी, हम उनके बच्चे बेटे थी जो हमारे, हम लोग सब साथ में पले बड़े हैं, उनको हम चाचा चाची बोलते हैं, तो फैमिली गेट टुगेदर था छोटा जी, एंड हम वहां मुंह दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए गए थे। अरे मैडम जी, आजकल डिजिटल जमाना है, वीडियो कॉल ही कर लेती, मुंह दिखाना है था, या फिर फोटो अपने माँ बाप के हाथ भेज देती, मुंह ही दिखाना था। शायद वो सेल्फी लेना या फिर वो हाथ मिलाना, शायद आपकी जुड़वा बहन थी ना, वो तो कोई और था, आप तो थे नहीं, आप तो मुंह दिखाने गई थी, मुंह दिखा के वापस आ गई, कुछ हुआ थोड़ा ना। तीसरा क्वेश्चन था कि जब गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि अगर आप विदेश से आ रहे हो तो आप अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करें, अपना चेकअप कराएं, तो वो इन्होंने क्यों नहीं कराया? क्या उन्होंने ये सब ना करा के गैर जिम्मेदार ना हरकत नहीं करती? मैं बता रहा हूँ, ये एंकर बहुत कड़क है भैया, ये नहीं जीने देगी। इस बात पे कनिका कपूर को आ गया गुस्सा, तो देखो उन्होंने क्या कहा। कनिका जी, ये जानकारी तो आपको होगी, और पिछले आप क्योंकि 10 दिन पहले लौटी हैं, आपने इंस्टाग्राम पे ऐसी जानकारी दी है, तो आपको पता होगा कि ये लगातार अपील भारत सरकार के द्वारा भी की जा रही थी, मीडिया के द्वारा भी की जा रही थी कि जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं वो आइसोलेशन में रहें, वो बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में ना जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आपसे हो गया है, कहीं ना कहीं आपने मैडम समाज को खतरे में डाल दिया है? जब 9 तारीख, जब मैडम 9 तारीख को हिंदुस्तान आई हूँ वापस, तो मैं अपने माँ बाप के पास सीधे आई हूँ, एंड हमारी ऐसा, और हमने
कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया उस समय, ऐसा मेजर कोई अनाउंसमेंट नहीं था। अरे मेजर अनाउंसमेंट नहीं था, मेजर अनाउंसमेंट क्या होता है, कोई आईएएस वाईएएस आपके घर पे आके पत्थर देके जाएगा कि भैया 14 दिन के लिए अपना क्वारंटाइन में रखें, आप अपने आप को दूर रखें इन चीज़ों से, ये आइसोलेट करें अपने आप को, वो मेजर अनाउंसमेंट होती है कि अरे खुद की तो अक्ल होती है, या वो पेच खाई या फ्री के गोलगप्पे उस अक्ल पे भारी पड़ गए, वो पार्टी में पहुंच गए और मेजर अनाउंसमेंट नहीं थी तभी तो एफआईआर होगी। अरे कमाल है। और ये जो छोटे गेट टुगेदर्स थे सिर्फ यही हुए हैं। और क्या छोटा सा गेट टुगेदर, अबे दिमाग नहीं है। और अब आया चौथा सवाल, इतने में तो इतनी हिम्मत हो ना, झूठ बोलने की एक लिमिट होती है भैया, और झूठ बोलने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, या फिर पहले प्लानिंग करके बैठे होना होता है कि हाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो तो मैडम जी ने कर नहीं रखी थी। अब चौथे सवाल के लिए हिम्मत बची नहीं थी, जैसे चौथा सवाल आता है अपना फोन वो कट कर देती है। मैं बता रहा हूँ यार, ये एंकर बहुत खतरनाक है यार। देखो यार, ये सेलेब हैं जो इतनी बड़ी हरकतें कर देते हैं, जो एक बेवकूफपंती, मतलब कि क्या कहें इन लोगों के बारे में, जो जानते हुए कि भी कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा एक वायरस है, उस चीज़ को इतना हल्के में ले लेते हैं, दूसरों को बीमार करने के लिए उस पार्टी में जाना, कितने लोगों के लिए कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ा देने की इन्होंने जो हरकत की है यार। एफआईआर अगर इनके खिलाफ, वो बहुत सही हुआ है कि इन्होंने वो चीज़ें की कि उनके खिलाफ एफआईआर, एक ऐसी जानकारी छुपाई जिससे लोगों को खतरा हुआ वो उन्होंने छुपाई यार, इस पर सपोर्ट करने के बजाय वो अपनी ये चीज़ नहीं कर रही कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई, आगे से सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने में लगी हुई हैं। और डिफेंड भी कैसे, बेतुकी चीज़ें बता बता के वो अपने आप को बेवकूफ़ी साबित कर रही हैं इस चीज़ में। इन जैसे सेलेब्स का क्या कह सकते हैं भैया, जिनके पास अक्ल नहीं उनको तो कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो कृपया कर जांच कराएं, अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए। आप तो भले ही ठीक हो सकते हो, आप अगर जवान हो, लेकिन क्या पता आपके जो साथ वाले, आपके जो माता पिता है, वो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपका है, तो इसे हल्के में ना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।